क्रिकेट फैंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसका आगाज तो अब महज मुट्ठी भर के समय के बाद होने वाला है। भारत का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा और वैसे T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होने जा रहा है। अब बात यहां पर यह आती है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में कुछ नए नियम ICC ने घोषित कर दिए हैं जो प्रत्येक टीम को माननी पड़ेंगी, लेकिन इसके साथ में T20 वर्ल्ड कप के लिए इस बार पॉइंट टेबल थोड़ी अलग तरीके से काम करेगी। इस बार की T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल क्या है, इस बार कुछ ऐसी अमेजिंग सी बातें होने वाली हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और जिसे देखकर T20 वर्ल्ड कप के लिए आपका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ नई बातें बताने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा स्केड्यूल बताएंगे, नए नियम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे इंडिया का पूरा कार्यक्रम और उसके साथ में कुछ अमेजिंग बातें जो इस बार आपका वर्ल्ड कप के प्रति रोमांच बढ़ाएगी, बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के बारे में जानिए सब कुछ, किन नए नियमों के साथ होगा मेगा इवेंट, तो इस बार की प्राइज मनी क्या रहने वाली है, 5 नए नियम इस बार ICC ने डाले हैं T20 वर्ल्ड कप में, भारत के मुकाबले कब और कहां, कितने मुकाबले, पॉइंट टेबल कैसे काम करेगी, कौन से ग्रुप में कौन सी टीमें हैं और भी बहुत कुछ हम आपको T20 वर्ल्ड कप के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरानी में डालेगी। तो खैर, उन 5 नए नियमों के बारे में जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप के बारे में। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का महाकुंभ यानी T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होने जा रहा है। यह 8वां T20 वर्ल्ड कप है। 2007 से अब तक यह सिर्फ दूसरा मौका है जब लगातार 2 साल में 2 टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। आपको इस मेगा टूर्नामेंट के बारे में वह सब कुछ बताते हैं जिन्हें जानने के बाद वर्ल्ड कप को लेकर आपके रोमांच में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इनमें टूर्नामेंट में भारत का शेड्यूल, नए नियम, पॉइंट सिस्टम और ग्रुप की जानकारी बता रहे हैं। सबसे पहले मेजबान के बारे में जानते हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप का होस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कर रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। टूर्नामेंट के सभी मैच ऑस्ट्रेलिया के 7 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। भारत सहित टीमें ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हैं और अभी वार्म अप मुकाबले खेल रही हैं। कब तक चलेगा टूर्नामेंट? इस बार का वर्ल्ड कप शुरुआत 16 अक्टूबर से होने जा रही है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम सुपर 12 के राउंड में उतरेगी। कितनी टीमें होंगी वर्ल्ड कप का हिस्सा? पिछली बार की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। क्वालिफाइंग मुकाबले 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 8 टीमों को 4-4 दो ग्रुपों में बांटा गया है। इन्हें ग्रुप ए और ग्रुप बी का नाम दिया गया है। दोनों ही ग्रुप में टॉप 2 टीमें सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। इंडिया के मैच, पहला मुकाबला 23 अक्टूबर से पाकिस्तान के खिलाफ, 27 अक्टूबर को एक रनर अप टीम रहेगी उसके खिलाफ, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 नवंबर को खेला जाएगा बांग्लादेश और 6 नवंबर को खेला जाएगा ग्रुप बी की विजेता टीम के साथ। लेकिन ध्यान रहे, सभी टीम इंडिया के समय अनुसार दोपहर 1:30 से मुकाबले शुरू हो जाएंगे, यानी कि इस बार का टाइम टेबल जो है वो थोड़ा अलग है। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें हैं और फिलहाल 2 टीमें जो क्वालिफाई करेंगी वो रहेंगी। तो वहीं ग्रुप 2 में बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और 2 और टीमें खेली जाएंगी। सुपर 12 के टीमों के बीच 30 मैच खेले जाएंगे जिसके बाद इनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। पूरी टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप का प्राइज मनी क्या रहेगा? वर्ल्ड कप का प्राइज मनी पूल $5.6 मिलियन यानी कि करीब 46.8 करोड़ रुपए है। 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले फाइनल में ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $1.6 मिलियन यानी कि 13.17 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं रनर अप रही टीम को 6.60 करोड़ रुपए मिलेंगे। टूर्नामेंट के अंत में सेमीफाइनल से बाहर होने वाली 2 टीमों को 3.30 करोड़ रुपए, बाकी बची 8 टीमों को 57,61,000 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे पॉइंट्स, यानी पॉइंट टेबल कैसे काम करेगी? ग्रुप स्टेज में हर मैच जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट दिए जाएंगे। मैच टाई होने की स्थिति में सुपर ओवर से फैसला होगा। वहीं किसी कारण सुपर ओवर मुमकिन नहीं हो पाया तो मैच रद्द हो गया तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। मैच हारने वाली टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा।
ग्रुप स्टेज में अगर दो टीमों के पॉइंट समान रहे तो उनके बीच जीत की संख्या और नेट रन रेट के आधार पर ही फैसला होगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। लेकिन अब बात करते हैं कौन से नए रूल्स लागू हो रहे हैं। 20 सितंबर 2022 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई नियमों के बदलाव किए हैं और ये 1 अक्टूबर से सभी नियम लागू हो चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि 16 अक्टूबर से हो रहे T20 वर्ल्ड कप में भी इनके बदले हुए नियमों के साथ खेला जाएगा। आगे डिटेल में जानिए क्या बदले हुए हैं नियम। पहला बड़ा नियम, स्ट्राइक पर खड़े बैटर को बॉल खेलने का अधिकार। नियम है कि खेल के दौरान बल्लेबाज की बैट के कुछ हिस्से को या बल्लेबाज को पिच के अंदर होना जरूरी है। यदि बल्लेबाज पिच से बाहर आकर बॉल खेलने की कोशिश करता है तो एम्पायर उसे डेड बॉल घोषित कर सकता है। नंबर 2, फील्डिंग टीम की ओर से कोई अनफेयर मूवमेंट। यदि गेंदबाज रनर अप के दौरान जानबूझकर या गलती से कोई अनफेयर मूवमेंट करता है तो एम्पायर पेनल्टी के तौर पर बैटिंग कर रही टीम को 5 पॉइंट दे सकता है। इसके साथ ही उस बॉल को डेड बॉल भी घोषित किया जा सकता है। यदि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा बल्लेबाज क्रीज से बाहर है और गेंदबाज ने तब तक बॉल की डिलीवरी नहीं की है, ऐसे में गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप पर बॉल थ्रो कर दे तो उसे बल्लेबाज को आउट माना जाएगा। इसे मांकडिंग कहा जाता है, लेकिन बदले नियमों के हिसाब से इसे रन आउट की श्रेणी में रखा जाएगा। रूल नंबर 4, जब कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो उसकी जगह पर आने वाला नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा। भले ही कैच के दौरान दोनों बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर रहे हो, लेकिन नए बैटर को स्ट्राइक एंड पर ही आना होगा। इससे पहले तक नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर आता था। रूल नंबर 5, बॉल पॉलिश करने के लिए लार का इस्तेमाल गलत। पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल पॉलिश करने के लिए लार सलाइवा के इस्तेमाल का अस्थायी रोक थी। ऐसा कोविड प्रोटोकॉल की वजह से किया गया। अब कोई भी खिलाड़ी बॉल पॉलिश करने के लिए लार का इस्तेमाल नहीं करेगा। आईसीसी का रूल नंबर 6, नया नियम ये भी आया है कि जब कोई भी नया बल्लेबाज क्रीज के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि कोई बल्लेबाज आउट हो चुका है और नया बल्लेबाज आ रहा है, तो नए बल्लेबाज को 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर स्ट्राइक पर आना होगा, गेंद को खेलना होगा, वरना उसको पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। यानी कि एक बहुत ही कम समय है आपके पास जो है नए बल्लेबाज को आने के लिए। तो खैर ये तो कुछ नियम थे, लेकिन हम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बता दें। टूर्नामेंट की सबसे उम्रदराज और युवा टीम कौन सी है? सबसे उम्रदराज टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिनकी औसत उम्र 31.13 की है। वहीं सबसे युवा टीम अफगानिस्तान है, जिनकी औसत उम्र 23.73 की है। यानी कि औसत उम्र में सभी खिलाड़ियों की उम्र गिनी जाती है और एवरेज निकाला जाता है। तो सबसे उम्रदराज है ऑस्ट्रेलिया और युवा है अफगानिस्तान। लेकिन देखा जाए तो सबसे युवा खिलाड़ी यूएई के अयान फजल खान है, जिनकी उम्र 16 साल और 334 दिन है। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नीदरलैंड के स्टीफन मायबर्ग हैं, जिनकी उम्र 38 साल 229 दिन है। भारत के खिलाड़ियों की अगर औसत उम्र देखी जाए तो वो 30 के आसपास की है, यानी 31 भी मान सकते हैं। कुल मिलाकर भारत भी युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में तो नहीं आती है। खैर वीडियो के एंड में हम आपकी एक छोटी सी राय लेना चाहेंगे कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2022 में चूंकि पहला ही मुकाबला पाकिस्तान से खेल रही है और जैसा कि आप जानते हैं भारत की प्लेइंग 11 पर काफी ज्यादा माथापच्ची है, तो आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर द T20 वर्ल्ड कप, जहां पाकिस्तान की टीम हो या साउथ अफ्रीका की? क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है भारत की? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।